मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे। मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ की बात शुरू करते हुए और सदन के फैसले के मुताबिक नई सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करते हुए बड़ा परेशान हूं कि कहां से बात शुरू करूं। बेकल उत्साही महान कवि हैं, उनकी दो मिसरे मुझे याद हैं कि हर तरफ आग है धुआं है, 2002 के पहले का गुजरात कहां है। मुझे आज यही कह रहा हूं कि सत्ता है और विपक्ष है, मैं ढूंढ रहा हूं कि 2005 का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। वचनबद्धता थी, बातों में मजबूती थी, कुछ करने का संकल्प था, लेकिन अफसोस है कि सीमांचल के एक महान कवि यूसुफ साहिदी साहब ने कहा, एक जमाना आएगा लोग जमीन बेचकर कुर्सियों से प्यार करेंगे, सियासी लोग यही कारोबार करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सियासी कारोबार से 3 सालों के दरमियान में 3 बार सरकारें अदलती बदलती हैं, उससे नौकरशाही का बड़ा बढ़ावा हुआ है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोकतंत्र की मर्यादाएं कमजोर हुई हैं। विपक्ष के लोगों से भी मुझे उम्मीद थी, गरजे मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे। मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन अफसोस कि सीमांचल में खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था मेरी सरकार आएगी तो सीमांचल को विशेष क्षेत्र बनाने का कमीशन मैं जारी करूंगा, जो कि और ठाकुरगंज में कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि चूंकि सबके दिल में है खोट, सब ने दिया है हमको चोट, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस वक्त 500 करोड़ रुपए जो बिहार के गरीब और मजदूरों के खून के पसीने की कमाई है, जिससे बिहार में जाति आधारित गन्ना हुआ है, और इस गन्ने के मुताबिक SC बिरादरी की आबादी 2,56,00,000 20% है, उनकी 20,49,370 नौकरियों में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 4,11,000 होती है, उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी गई है, और बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2,31,00,000 होती है, उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी नौकरी में 3,68,000 की होती है, और उन्हें मात्र 1,73,000 नौकरी सर 1,95,000 नौकरी उनकी समाप्त कर दी गई है। महोदय, मैं नई सरकार से आशा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता का हम सबूत चाहते हैं कि कम से कम इस परिस्थिति में इन लोगों को कम से कम नौकरी दिलवाने के लिए वो विशेष प्रावधान करेंगे। हम आपका इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया, सांप्रदायिकता और निज स्वार्थ की राजनीति ने हमें से देश को नुकसान पहुंचाया है, बिहार ने देश को राह दिखाया है, सांप्रदायिक से अलग होइए, निज स्वार्थ से अलग होकर पूरे देश को एक राह दिखाने का काम बिहार करे, हम उसकी कामना करते हैं।